राजस्थान के जिला झुंझुनू तहसील उदयपुर वाटी के अंतर्गत ग्राम ककराना में पीरदादा महाराज के समाधि स्थल पर रात्रि में भजन कीर्तन करके सर्व समाज के लोगों द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सभी समाज के लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया, क्योंकि पीरदादा महाराज ने जीवित समाधि लेने से पहले सर्व समाज को 3 वचन दिए थे। पहला वचन कि यदि किसी को सर्प डस लेगा तो मेरी ताती बांधने से जहर उतर जाएगा, आज भी यह वचन प्रभावशाली है। दूसरा वचन कि गांव में किसी को भी घर में आगजनी नहीं होगी, जो कि ग्रामीणों के अनुसार आज तक नहीं हुई। तीसरा वचन मेरे को गोत्र के किसी भी महिला पुरुष बच्चे की मृत्यु होने पर उसे दफनाया ही जाएगा, जलाया नहीं जाएगा। यह परंपरा 550 वर्षों से नियंत्रण चली आ रही है और पीर दादा महाराज के साथ साथ जीवित समाधि लेने के तीसरे रोज पीर दादा महाराज के कुत्ते ने भी उसी जगह अपने पैरों से समाधि को पैरों से मिट्टी निकाल कर कुत्ते ने भी जीवित समाधि ले ली थी। इसी प्रकार से ग्रामीणों द्वारा रात्रि में भजन कीर्तन व भंडारा किया गया। यदि कोई सच्चे मन से पीर दादा को मानते हैं तो उनके अधूरे कार्य पूरे होते हैं और आज तक ऐसा होता आ रहा है। बेगवाल कुल में जन्म ले चुके दादाजी महाराज लगभग 500 साल पहले यहाँ पे जन्म लिए थे। उन्होंने जीवित समाधि ली थी और समाज को ये संदेश दिया था कि मेरे जो मानने वाले या जो मेरे जो भगत लोग हैं उनको कभी एक तो सर्प दंश नहीं होगा, और यदि होता भी है किसी कारणवश तो मेरी नाम की ताती जो मान लेगा वो स्वतः ही ठीक हो जाएगा। ऐसा होता भी है, हमारे समाज में काफ़ी ऐसे केसेस हुए हैं और उनको वो ठीक भी हुए हैं। दूसरा, उन्होंने ये उपदेश दिया था कि मेघवाल कुल में और विशेषतः गोठवाल जो जाति है, गोत्र है, उसमें कभी भी अग्नि कांड नहीं होगा। और आज तक ये सत्य बात है, लगभग 500 साल हो गए हैं, आज तक SC में या मेघवाल जाति में किसी की अग्निकांड नहीं हुआ है, और छोटी मोटी कोई घटना हुई भी तो कोई ज़्यादा दोष नहीं हुआ इस चीज़ का। दूसरी बात, जो भगत सच्चे दिल से श्रद्धा से इनकी मान्यता रखता है और उनको पूछता है वो निश्चित ही सफलता प्राप्त करता है, और इनके प्रत्यक्ष दर्शी समाज में बहुत सारे हैं और सच्चे दिल से इनकी जो आराधना करता है वो अपने इष्ट को और अपने सफलता को जरूर प्राप्त करता है। ठीक है जी, आप बताओ। बता दूँ।